फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मनीषा, वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो होने वाली है किचन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। तो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर शेयर करने वाली हूं जो कि रेंटल फ्रेंडली है। चाहे आपका अपना घर है या आप रेंट पे रहते हैं तो इनको आप बेझिझक यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरा अपना घर है लेकिन मैंने फिर भी इनको चूज किया है क्योंकि जगह जगह पर ड्रिलिंग कोई नहीं चाहता। और जो रेंट पे रहते हैं उनके लिए तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लैंडलॉर्ड से स्पेशल इंस्ट्रक्शन होते हैं कि ड्रिलिंग नहीं होगी। तो उसी से रिलेटेड मैंने जो है ऑर्गेनाइजर जो है बाय किए हैं। कुछ मेरे पुराने हैं, कुछ मैंने न्यू बाय किए हैं एंड बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत अमेजिंग। आप इनको मल्टीपर्पज यूज कर सकते हो। एक ऑर्गेनाइजर को आप पूरे घर में कहीं पर भी यूज कर सकते हो। मैंने कुछ इस तरह के जो ऑर्गेनाइजर है वो लिए हैं। तो चलिए जो वीडियो है अपनी वो स्टार्ट करते हैं। सारे प्रोडक्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, सारे मेरे हार्ड वर्क मनी से आई है, मेरे मेहनत के पैसों से मैंने इनको बाय किया है। तो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड है किसी भी चीज को चेकआउट करने के लिए तो आप इनको बाय कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो प्रोडक्ट है इनको मैं इसी कंपनी के, मतलब जिन से मैंने लिए है कुछ एक चीजें हैं उनको मैं लास्ट 2 ईयर से यूज कर रही हूँ ऑर्गेनाइजर को, और वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप पैसे भी डालेंगे किसी चीज पे तो एटलीस्ट वो चीज अच्छी होनी चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए उनको बाय करने के बाद में। तो ये मैं यूज करके ही आप लोगों के साथ इसको जो है शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है वो सबसे छोटे वाले से हम स्टार्ट करते हैं, और इनकी मैं पिक्चर आपको साइड में लगा दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप इनको किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये है मेरा पहला ऑर्गेनाइजर जो कि आप इसको डिफरेंट वे से यूज कर सकते हैं। किचन में तो आप इसको यूज कर ही सकते हैं, आपको जस्ट इसको जो आपकी कवर्ड है उसके अंदर इस तरह से हैंग करना है, और आप यहाँ पर जो अपने कप वगैरह है वो हैंग कर सकते हैं, आपके स्पैचुला है वो हैंग कर सकते हैं, या टॉवल को हैंग कर सकते हैं। आप इसको मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं जैसे भी चाहे, और बहुत ही अफोर्डेबल है। और ये 2 के सेट में आता है, ब्लैक एंड व्हाइट में मेरे पास 2 आए थे। तो मैं इसको अपनी जो कबर्ड है, आपने बहुत बार देखा भी होगा मेरी जो कबर्ड है उसमें मैं इसको कपड़े हैंग करने के लिए भी यूज करती हूँ। तो इसको आप मल्टीपर्पज जैसे मौसम हो उस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही फंक्शनल है, बहुत स्टर्डी है। मैं इसको अराउंड 1.5 ईयर से यूज कर रही हूँ, इसका कुछ भी नहीं हुआ है, ना तो उसमें कोई जंग लगा है ना ही इसका पेंट उतरा है, और स्टर्डी है। आप इस पर कितना भी जो वेट है वो हैंग कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसको मस्ट बाय है। साथ में मैंने पिक्चर लगा दी है ताकि आपको आइडिया हो कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो ये है मेरा फर्स्ट ऑर्गेनाइजर जिसमें आपको कोई भी ड्रिलिंग वगैरह की जो जरूरत है वो नहीं है। मूव करते हैं सेकंड प्रोडक्ट पे। सेकंड जो प्रोडक्ट है वो है मेरा ये चकला बेलन स्टैंड। तो ये चकला बेलन स्टैंड है, इस पे यहाँ पे आपका चकला आ जाता है, यहाँ पे बेलन एंड आपका तवा वगैरह है वो आ जाता है, और इसमें यहाँ पे ना हुक दिए हुए हैं। तो ये हुक के लिए आप जो है ना कमांड हुक आते हैं जो कि पेस्ट हो जाते हैं दीवार में, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको एज इट इज ये ऐसे के ऐसे आपका जो काउंटर टॉप है उस पर भी रखा जाएगा, आप इसको वहां पर रख के यूज कर सकते हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल है। तो ये आपके घर में जरूर होना चाहिए। मैंने इसको अपने सेम जो पेस्ट करने वाले कमांड हुक है उन्हीं में मैंने इसको अपना हैंग किया हुआ है। तो ये था मेरा सेकंड प्रोडक्ट। उसके बाद जो थर्ड प्रोडक्ट है वो भी मेरा ऐसे ही है, ये भी एक ऑर्गेनाइजर ही है। इसको आप किचन में, अलमीरा में, कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हुक के साथ इस तरह से आता है, पीछे अदर्सिव सेल्फ अदर्सिव है ये, तो यहाँ से एक हल्की सी लेयर है जो आपकी इसकी एक परत है उसको हटा देंगे, और फिर जस्ट इसको आपको चिपका देना है दीवार के ऊपर, और ये आपका गुड टू गो है। और यहाँ पर आपको जो है 6 ये हैंगर मिल जाते हैं। तो इसमें आप अपने कप टांग लीजिए, अपने स्पैचुला टांग सकते हैं, या फिर आप अपने टाल्स वो टांग सकते हैं, और आप इसको अलमारी में भी अपना यूज कर सकते हैं, बाथरूम में यूज कीजिए, अंडर सिंक यूज कीजिए, जहां मर्जी है वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में सेट ऑफ 2 आया है ये भी, और ये देखिए सेल्फ अदर्सिव है, तो ये अच्छा खासा जो वेट है वो भी ले लेता है, और बहुत ही अफोर्डेबल है। जब आपको, अगर आप जैसे रेंट पे है आपको खाली करना है तो आप उसको उतारिए और अपना लेके चले जाइए, और फिर इसको दोबारा से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये है मेरा थर्ड प्रोडक्ट जो कि आपके घर में होना ही होना चाहिए, स्पेशली आपके किचन में ये होना ही चाहिए। इसके बाद मूव करेंगे जो कि मैंने रिसेंटली बाय किया है,
मेरा किचन अच्छा खासा है, कोई छोटा नहीं है, लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट होती रहती है, तो इसकी मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी। तो मैंने ये एक रैक लिया है जो कि आपके यूटेंसिल्स को होल्ड करने के लिए है। तो आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं और आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो मैं साइड बाय साइड पिक्चर डाल रही हूँ ताकि आपको जो इसका रेफरेंस है वो मिल जाए। बहुत स्टर्डी है, बहुत हैवी वेट ये उठा लेता है आपको। 1, 2, 3, 4, 5 सेक्शन इसके अंदर मिल जाते हैं। आई थिंक ये कम और ज्यादा में भी है शायद से, नॉट श्योर। तो बट मैं मुझे इतना ही बड़ा चाहिए था तो मैंने इसको लिया है। आप इसमें आपके जो कढ़ाई है, कुकर है या आपकी फ्राई पैन वगैरह है वो रख सकते हैं, और आप इसको काउंटर टॉप पे भी रख सकते हैं। साथ में अगर आपका किचन नॉन मॉड्यूलर है तो उसके लिए भी आप ये सारे के सारे प्रोडक्ट हैं वो यूज कर सकते हैं। तो रेंटल फ्रेंडली तो है ही, साथ में ये नॉन मॉड्यूलर किचन के लिए भी काफी बेनिफिशियल रहेंगे। तो ये था मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट, तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा। अच्छा, इसके अलावा आप इसमें बुक्स को भी अरेंज करके रख सकते हैं। यहाँ पर आप अपने बुक्स वगैरह को अरेंज करके रख सकते हैं। ये था मेरा फोर्थ प्रोडक्ट। उसके बाद जो मैं अभी आपको ऑर्गेनाइजर दिखा रही हूँ, उसको यूज करते हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। तो ये है एक कॉर्नर जो कि आपने काफी सारे वीडियोस में देखा भी होगा, लेकिन ये जो ब्रांड है ना लिवोन, बहुत अच्छा ब्रांड है। इसके जो फिनिशिंग इसकी आती है और जो जितना स्टर्डी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं इसको 2 साल से लगातार यूज कर रही हूँ और इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, ना इसे कोई जंग लगा है। स्टेनलेस स्टील का है। ये 3 सेक्शन का आता है, 1, 2, 3 में। ये 2 में भी आता है और 1 में भी आता है, तो आप अपने किचन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं इसको। तो ये मेरे पास 2 है, एक मैं इसको किचन में यूज करती हूँ और एक को मैं अपनी अलमीरा में यूज करती हूँ। तो जैसे मैंने बताया, आप डिफरेंट वे से इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं कि मैं इसको अलमारी में कैसे यूज करती हूँ, तो मैं अपने बच्चे की, मैंने जो है ना बुक्स रखी हुई है इसमें, इस तरह से सेक्शन हो जाते हैं 3। तो मैंने एक यहाँ पर, फिर एक और एक, इस तरह से 3 सेक्शन में डिवाइड करके मैंने जो है नीरव की बुक्स रखी हुई है। मैं उसकी पिक्चर भी साथ में यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी, आपको पता चल जाएगा कि मैं इसको किस तरह से यूज कर रही हूँ। तो ये भी आपके किचन के लिए मस्ट बाय है। आप इस पे प्लेट्स, कप्स, चकला, बेलन और आपका मसाला वसाला, वो सब सारी चीजें आप इसके ऊपर रख सकते हैं। इसके आगे जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, इसको भी यूज करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। दोनों मैंने एक साथ ही बाय किए थे। ये भी मेरे पास 2 का ही पेयर है, तो इसको भी एक किचन में और एक मेरी अलमीरा में ये यूज होता है। तो ये, इसका फायदा ये होता है, ये एक प्लास्टिक में भी आता है, वो भी है मेरे पास, बट मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि उसको सामान रखने में ना फिर दिक्कत रहती है। तो आप लेना तो इस तरह से जो प्लेन है ना उसी को बाय करें। और ये स्टेनलेस स्टील का है, लेकिन इसमें क्या है, अगर इसके ऊपर पानी लग गया, जैसे आपने गीले बर्तन रख दिए तो उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज जैसे मेरा दूसरा है उसमें थोड़ा सा जंग लगने लग गया क्योंकि मैंने उस पर गीले बर्तन रख दिए थे, लेकिन ये आप देख सकते हो एज इट इज है क्योंकि मैंने इसको उस तरह से यूज नहीं किया। तो काफी स्टडी है, काफी अच्छा खासा ये वेट उठा लेते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि जब आप इसको काउंटर टॉप पे रखते हो तो आप नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट यूज कर सकते हो। साथ में आप अपने जो किचन के कबर्ड्स है उसके अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो। रेफरेंस के लिए पिक्चर लगा दी है मैंने। और आप इसको अलमारी में भी एज ए डिवाइडर इसको यूज कर सकते हैं। काफी स्टर्डी है ये वाला, और इसका लिंक भी नीचे आपको मिल जाएगा। उसके बाद बारी आती है हमारी न्यू बाय की। तो ये मैंने जैसे बताया कि मैंने अभी 2-3 नए ऑर्गेनाइजर लिए हैं, तो उसमें है ये अंडर सिंक एरिया को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये ऑर्गेनाइजर। बहुत बहुत, मतलब 10 out of 10 मैं इसको दे रही हूँ, बहुत ही अच्छा है। तो ये आपको असेंबल होके नहीं आता है, लेकिन इसके सारे पार्ट्स आपको मिलेंगे, आपको घर पे खुद ही असेंबल करना है। विद इन 5 मिनट्स आप इसको असेंबल कर लोगे, 5 मिनट्स भी ज्यादा बोल दी मैंने। तो ये है, इसमें भी आपको 1, 2 and 3 तीन लेयर मिल जाएगी। और साथ में इसका क्या है, ये जो है ये देखिए, ये रिमूव हो जाता है और ये आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। तो ये ना छोटा बड़ा हो जाएगा, ये देखिए आप, ये जो बीच में वाइट वाइट देखिए ना, इस तरह से ये रोड बड़ी हो जाएगी और छोटी हो जाएगी। और ये इसको टाइट करने के लिए, जहां आपको रिक्वायरमेंट है आप इसको वहां पर टाइट कर दीजिए, और उसके बाद फिर ये आपका जो है निकलेगा नहीं। तो ये यहाँ पर हो गया है, तो ये आप इसको जितना भी चाहे उतना आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पर चाहिए ये, तो मैंने इसको यहाँ पर टाइट कर दिया है, ये देखो। तो इस तरह से है ये, आप इसको अपनी मर्जी के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। आप इसी तरह से जो नीचे है उस पर आपको कितना रखना है, कितना नहीं रखना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे
देख सकते हैं। तो ये सारी रिमूवेबल है और बहुत अच्छी क्वालिटी की है। बात ये है कि बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो इस तरह से आप इसको अपने हिसाब से जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एंड थ्री लेयर जो है आपका ये बन जाता है। तो ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है अगर आप अंडर सिंक चाहते हैं। अंडर सिंक नहीं भी है तो भी आप इसको अपने कबर्ड के अंदर रख सकते हैं, कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें बुक्स रख सकते हैं, साथ में पिक्चर लगा दूंगी, आपको वहीं से आइडिया मिल जाएगा कि लोगों ने इसको कितना मल्टीपर्पज यूज किया हुआ है। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है ये। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ से इसका हुक टाइट हो जाएंगे तो जैसे मैंने बताया विद इन 4 to 5 मिनट्स आप इसको असेंबल कर लेंगे और मस्ट बाय प्रोडक्ट है, मस्ट बाय। तो ये था मेरा न्यू ऑर्गेनाइजर मेरे किचन में। इसके बाद नेक्स्ट मेरा ऑर्गेनाइजर है वो मैंने अपनी एक मेरी जो किचन है उसकी अलमीरा के लिए लिया है, जो कॉर्नर वाला है। तो वो ऐसे ही प्लेन है, उसमें एक्चुअली मुझे जो है लकड़ी का लगवाना था, लेकिन लकड़ी वाला काफी कॉस्टली पड़ रहा है, वो मुझे अराउंड 3000 के आसपास का पड़ता। और फिर अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा तो फिर वो यहाँ पे रह जाएगा। तो इसीलिए ये सारे जो प्रोडक्ट है वो रेंटर फ्रेंडली है। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजर है, ये भी असेंबल होके नहीं आता है, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये भी असेंबल होके नहीं आता, इसको भी आपको असेंबल करना पड़ेगा। इसमें 5 से 6 मिनट आपको लग जाएंगे असेंबल करने में, लेकिन हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और तो ये भी सेम आपको इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा पूरा कैमरा में नहीं आ रहा है, ये देखिए ये इतना बड़ा है और ये आपको आएगा बिल्कुल छोटा सा पैक होके आएगा। तो आप इसको अपने स्पेस के अकॉर्डिंग इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये रोड दी हुई है इतनी बड़ी, तो आप इसको चाहे तो इसको नीचे कर सकते हैं या फिर ऊपर कर सकते हैं, जैसा भी आपका स्पेस है आप इसको उस तरह से यूज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे हुक दिए हुए हैं, मैं यूज कर सकते हो। तो 8 हुक है, 4 ऊपर लगाए हुए हैं, मेरे 4 नीचे लगाए हुए हैं। तो जैसे भी आपके रिक्वायरमेंट है, जैसा भी स्पेस है उसके हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। 10 किलो तक का वजन ये ले लेता है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसके भी पिक्स मैं लगा देती हूँ ताकि आपको जो है पता चल जाए कि कितना मल्टीपर्पज है। तो ये आप अपनी अलमारी में आपके या फिर शू रैक की तरह से या बुक स्टैंड की तरह से या किचन में बर्तन रखने के लिए कैसे भी आप इसको मल्टीपर्पज यूज कर सकते हो। कपड़े रख सकते हो आप इस पे, जैसे चाहे वैसे आप इसको यूज कर सकते हो। कोई ड्रिल नहीं करना, कुछ नहीं करना, लाइट वेट है। लेकिन हाँ, ये वेट 10 किलो तक लेता है, तो ये इसकी अच्छी बात है। ये खुद लाइट वेट है लेकिन इसका वजन उठाने की जो क्षमता है वो काफी ज्यादा है। तो ये था मेरा प्रोडक्ट। इसके अलावा एक प्रोडक्ट और है जो मैं आपको पिक्चर के थ्रू यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये बास्केट है जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। ये आपको अपने जो बर्तन धोके रखने के लिए है, और मैं बोलूंगी आप इसको प्लीज अभी तक अगर आपने बाय नहीं किया है तो इसको जरूर बाय कर लीजिएगा। अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, जहां से आपका मन करे वहां से कर लीजिएगा। लोकल मार्केट में भी काफी अच्छी मिलती है, लेकिन ये आपके किचन में होनी ही चाहिए ये वाली बास्केट। इसमें जो पानी है वो नीचे आ जाता है और फिर वो अपने आप चला जाता है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि इस बास्केट को आपको उठा करके पानी निकालना पड़ता है, इस ट्रे को ऐसा नहीं है। ये इसका जो इसकी जो फॉर्मेशन जो इसके अंदर दिया हुआ ना स्ट्रक्चर, वो ऐसा है कि वो ऑटोमेटिकली पानी गिरेगा और आपके वॉश मशीन के अंदर ही, आपके सॉरी सिंक के अंदर ही वो सारा पानी निकल जाएगा। आपको पानी उठा करके और फिर उसको खाली करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसलिए मुझे ये वाली बास्केट जो है वो सबसे अच्छी लगती है। इस टाइम में बहुत सारे वेरिएशन आ गए हैं मार्केट में, लेकिन ये बेस्ट है। तो ये थे मेरे कुछ किचन ऑर्गेनाइजेशन। वीडियो काफी लंबी हो गई है, बट मैंने हर एक चीज आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर की है ताकि अगर आप एक पैसा भी खर्च करते हैं तो उसका वर्थ हो, आप उसको किस तरह से यूज करने वाले हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी डिटेल में वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके कमेंट का वेट रहेगा, कोई सजेशन आप वो दे सकते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं, तब तक के लिए बाय बाय।